Now, let's have an overview of the next concept that is defect detection or reduction A b concept bhi hai, ke one thing is very crystal clear if you are claiming that your software code is having zero bug count, that's a very, very big question mark. not on your ability of your claim, it is the nature of your claim. Could you a claim kar rahe na, कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग है ही नहीं तो दैट इज चैलेंजेबल इवन फ्रॉम द स्टार्टअप डेवलपर रीजन उसकी रीजन है जिस चीज को हम बग कह रहे हैं वो टेक्स का फ़ॉन्ट भी हो सकता है वो गुई का कलर भी हो सकता है वो गुई का साइज भी हो सकता है वो टाइम टू लोड भी हो सकता है यानी देर आर जिलियन ऑफ वेज जिसको आप बग कह सकते हैं सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू स्टेब्लिश कि हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जो हमारी एफर्ट जिस डायरेक्शन में ज्यादा लगती है ना वो बग को फिक्स करने की तरफ कम होती है ज्यादा एफर्ट इसमें लगती है कि टू मिनिमाइज द बग्स यानी हम जीरो को टारगेट नहीं कर रहे होते तो रियलिस्टिकली जीरो होता नहीं है आइडियली स्पीकिंग जीरो नहीं होता तो हमारी कोशिश ये होती है कि बग्स को मिनिमाइज करें अब मिनिमाइज करने से क्या मुराद है मिनिमाइज करने से टेक्निकली ये मतलब होता है कि हम बग्स के या डिफेक्ट्स के डिफरेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि जी ये एक ब्लॉकर लेवल का डिफेक्ट है ये एक एक क्रिटिकल लेवल का डिफेक्ट है ये एक मेजर लेवल का डिफेक्ट है ये एक माइनर लेवल का डिफेक्ट है एंड सो ऑन अब अगेन जो ये मैंने आपको अभी लेवल ऑफ डिफेक्ट बताए ये स्टैंडर्ड नहीं है मतलब एक टूल अगर आप यूज करेंगे उसमें सेम चीज को डिफरेंट नाम से लिखा होगा दूसरी बुक उठाएंगे सेम कॉन्सेप्ट को सेम नाम से लिखा होगा जो कॉन्सेप्ट ये कि हम सिवेरिटी लेवल हर डिफेक्ट को असाइन कर देते हैं सो so ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि बग काउंट जीरो हो क्योंकि बड़ी सब्जेक्टिव चीज है ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि सिवेरिटी वाइज हम बग्स को मिनिमाइज करें मतलब वी कैन लिव विद लेट सपोज टेन बग्स विच आर और विच आर ऑफ माइनर सीवेरिटी बट वी कैन नॉट लिव विद वन बग विच इज अ ब्लॉकर लेवल स्वयरिटी ब्लॉकर लेवल क्या वेबसाइट लॉन्चिंग वेबसाइट आपकी लोड ही नहीं हो रही या आप लॉग इन ही नहीं हो पा रहे या आप ये समझिए कि आप फेसबुक पे लॉग इन हो गए यू आर नॉट एबल टू पोस्ट आप उसको पोस्ट ही नहीं कर पा रहे अब ये ब्लॉकर है ब्लॉकर से मुराद ये है कि जिसके बाद आपकी जो जो क्यू है वो रुक जाती है वो कहते हैं वी के नॉट प्रोसीड फर्दर यानी अगर आप लॉग इन ही नहीं हो पा रहे और आपकी सारी फंक्शनैलिटी ही के ऊपर कह दी दे थी देन यू आर नो वेयर एक्चुअली सो द पॉइंट इज के वाई बग प्रिवेंशन और बग डिटेक्शन इज और रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट कि हमारा जो टारगेट है वो रिड्यूसिंग द बग काउंट टू जीरो नहीं होता ये एक रियलिटी है एक अगली फैक्ट है जिसको बहुत कम लोग इसको हजम करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक इज ऑल्सो नॉट Non अगर ये बात करें जी काउंट जीरो क्यों नहीं है इट बिट ऑफ सेंस लेकिन अगर टैकी ये बात करें तो इट मेक नॉन लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी बात करते रीजन कि जी जो डेवलपर है वो अपने व्यू पॉइंट से बात कर रहा होता है और जो रिक्वायरमेंट वाला बंदा है वो अपने व्यू पॉइंट से बात कर रहा होता है डिजाइन वाला बंदा अपने व्यू पॉइंट से बात कर रहा होता है इन तमाम स्टेक होल्डर्स को इन तमाम अ, 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 डिफरेंट व्यू पॉइंट को जो कन्वर्ज uh, कर रहा होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या एट द एंड ऑफ द डे द क्लाइंट अगर क्लाइंट एक चीज को एक्सेप्ट कर रहा है देन नीदर डेवलपर नीदर डिजाइनर नीदर रिक्वायरमेंट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर विल विल चैलेंज इट लेकिन अगर एक चीज को जो जो क्लाइंट है उसने चैलेंज कर दिया कि जी जो टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट है वो ट्वेंटी वन होना चाहिए था इट इज नॉट ट्वेंटी वन खत्म मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा शिप दोबारा करें या मुझे ये सॉफ्टवेयर दोबारा इसका डेमो दे तो इट इज अ ब्लॉकर तो हमारी कोशिश यह है कि जो सिवेरिटी हमारे बग्स हैं या जो डिफेक्ट्स हैं उनका काउंट कम हो नॉट द टोटल काउंट टोटल काउंट कम होने का मतलब यह कि सौ डिफेक्ट थे उसमें एक ब्लॉकर था या दो डिफेक्ट एक ब्लॉकर है एक माइनर है इट इज एज गुड एज हैविंग हंड्रेड डिफेक्ट विथ वन ब्लॉकर और ओनली टू डिफेक्ट विद वन ब्लॉकर क्योंकि ब्लॉकर के साथ तो आप आगे चल ही नहीं सकते तो हमारी कोशिश ये कि हम ऐसे स्टेप उठाए जिसकी वजह से हम बग काउंट को मिनिमाइज करें एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज यानी एज सुन एज वी हैव द बग द डिफेक्ट डिटेक्शन एंड रिडक्शन स्ट्रेटीज इट इज बेटर जैसे जैसे हम एस वी एल सी में लेटर फेजेज में आते जाते हैं इट इज वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर फ्रॉम द डेवलपमेंट व्यू पॉइंट ऑल्सो